अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग सी फूड बना रहे हैं बहुत ही अलग अंदाज में। एक्चुअली हम लोग बहुत साल से आपको रेड स्नैपर फ़िश का रेसिपी दिखाना चाह रहे थे। आज वो वक्त आ गया है रेड स्नैपर बना के दिखाने का। हम लोग पहले इसी फ़िश को हम लोग तंदूर बनाएंगे या अलग से एक बारबेक्यू बना के दिखाने का ऐसा इरादा था, लेकिन हम लोग एक डिफरेंट वे में आज इसी रेड स्नैपर को पत्थर पे, जैसा पत्थर का गोश्त बनाते हैं उसी प्रोसेस में हम लोग पत्थर को इसको बॉईल करेंगे। बहुत ही अलग रेसिपी है और अलग अंदाज में बना रहे। इसके साथ साथ जो आधा हिस्सा है फिश का उसको हम लोग ग्रेवी भी बनाएंगे ताकि नीडी पीपल आसानी से खा सके। चलिए देखते हैं रेड स्नैपर को हम लोग पत्थर पे कैसे बॉईल करते हैं। नवाब्स किचन में बहुत दिनों से हम लोग रेड स्नैपर का रेसिपी बारबेक्यू या तंदूर ऐसा कुछ दिखाने का आइडिया कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग जब रेड स्नैपर हमें मिला है इमीडिएटली एक प्लान करे थे डायरेक्टली मैरिनेट करके इसको, जो हम लोग पत्थर का गोश्त बनाए थे वैसे ही ग्रेनेट पे हम लोग उसको स्लाइटली रोस्ट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी रहेगा और अच्छा भी बॉयल भी होगा, क्योंकि वो जो हम लोग 2 आवर्स से उसको हीट करते जा रहे हैं स्टोन को। इसकी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग रेड स्नैपर फिशेस को हम लोग अच्छी तरह मैरिनेट होने के लिए अच्छे उसको जैसा काट के रखे थे स्लाइसेस के जैसा फुल फिश को हम लोग पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसी में पहले हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर के साथ साथ इसी में हम लोग ड्राई जिंजर पाउडर और ड्राई गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग ऑनियन पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसी में हम लोग क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। फिश के पीसेस में अच्छे सा स्पाइसीनेस लाने के लिए इसी में हम लोग जो रेड चिल्ली का सॉस रहता है उसी सॉस को इसमें ऐड करेंगे। फिश को और भी मज़ेदार करने के लिए इसी में हम लोग थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे, लेमन जूस, इन सारे ड्राई पाउडर्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक्चुअली मिक्स करते हुए धीरे धीरे अच्छा सा पेस्ट के जैसा फॉर्म होने के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जो मसाले मिक्स करे थे माशाल्लाह परफेक्टली मैरिनेशन के लिए अप्लाई करके रखे हैं। इसी को हम लोग 1 आवर तक इसी तरह रखेंगे और उसके बाद जो स्टोन हम लोग गर्म करके रखे थे पत्थर, उस पर ये रोस्ट करेंगे। आज का रेसिपी बनाते हुए सीरियसली बहुत मज़ा आया, उतना ही मज़े से नीडी पीपल भी खा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आप भी वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इमीडिएटली अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।